तो तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीनों को नए सिरे से पैदा किया, बग़ैर सबब के पैदा किया। वस्सलातु अला मन कान नबियन व आदम बैनल माई वत्तीन, और रहमत कामिला हो उस ज़ात पर जो नबी हैं इस हाल में कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबो गिल के दरमियान है, पानी और मिट्टी के दरमियान है। यानी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा था, उस वक्त भी जिस जो नबुव्वत की नेमत से मुशर्रफ थे और जिन्हें जो नबी थे यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यहाँ पे सराहत के साथ नाम नहीं लिया गया क्योंकि ये वो सिफत है कि आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले जो नबी हैं, ये वो सिफत है आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी होना कि जिससे तबादुर ज़हनी जो होता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ ही होता है, इसलिए नाम लेने की हाजत नहीं थी। वाला आलही व अस्हाब ही अजमाइन, और आपकी आल और आपके तमाम अस्हाब पर। आल व अस्हाब की तफसील आपको मालूम ही है, आल किने आल से मुराद कौन से अफराद हैं और अस्हाब रसूल से मुराद क्या है। व बादो, और हमदो सलात के बाद। बादो यहाँ पर जो है मबनी है क्योंकि उसका मुजाफिल महजूफ मनवी है, असल में था व बाद सलात वलहमद या बादल हमद वसला। असमाय ज़रूफ का के मुजाफिल जब महजूफ मनवी होते हैं तो वो मबनी बरज़म होते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे व बादो। फहाद ही इदत फसूल इनफी इल्मिल मीज़ान, इदत माना होगा चंद, ये तादाद से बना है, आयन दाल दाल हर्फ का हर्फ असली है। फहाद ही इदत फसूल इनफी इल्मिल मीज़ान, तो ये चंद फसलें हैं इल्म मीज़ान में। मंतिक का दूसरा नाम इल्म मीज़ान भी है, इल्म मीज़ान में ये चंद फसलें हैं। ला बुद्द मिन हिफ्ज़िहा, जिसको याद करना ज़रूरी है। व ज़ब्तिहा, और जिसको ज़ब्त करना ज़रूरी है। हिफ्ज़ो ज़ब्त का माना होता है ज़हन में किसी चीज़ को अच्छे से बिठा लेना, याद करना और फिर याद रखना, इसको कहा जाएगा हिफ्ज़ो ज़ब्त। लेमन अराद अन्यत ज़करा, उसके लिए याद करना और ज़ब्त करना ज़रूरी है जिसका इरादा हो। लेमन अराद, उसके लिए जो इरादा करे अन्यत ज़करा के नसीहत हासिल करे। अब ये कौन लोग होते हैं, तो मन का बयान है मिन उलिल अज़हान। लेमन अरादा में जो मन इसमें मौसूल है ना, तो उसमें इबहाम होता है। उसके लिए जो तज़क्कुर का इरादा करे, नसीहत हासिल करने का इरादा करे, तो वो कौन होता है, मिन उलिल अज़हान, अक्ल वालों में से, यानी अक्ल वाले लोग जो तज़क्कुर का इरादा करते हैं उसके लिए इन फसूल को याद करना और ज़ब्त करना ज़रूरी है। वअलल्लाहि तवक्कुलु वहुवल मुस्तआन, और अल्लाह ही पर तवक्कुल है और वही है जिससे मदद तलब की जाती है। मुस्तआन माना होगा मदद, वो ज़ात जिससे मदद तलब की जाए। मुस्तईन का माना होगा मदद तलब करने वाले, ये इस्तआना यस्तईनु इस्तआनत से बना है, मुस्तआन इसमें मफ़ऊल का सेवा। ये खुतबा के बाद फरमाते हैं मुकद्दमतुन। मुकद्दमा किसको कहते हैं, फ़न को शुरू करने से पहले फ़न के मबादियात को बयान करना, इसको मुकद्दमा कहा जाता है। यानी जिस फसल में या जिस बाब में फ़न के मबादियात को, मबादियात यानी ऐसी इब्तदाई बातें कि उस फ़न में मशगूल होने से पहले जिसका जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है, उन बातों को जिस बाब में बयान किया जाता है उसको मुकद्दमा कहा जाता है। तो मुकद्दमा में कुछ बुनियादी बातें इल्म मंतिक के ताल्लुक से बयान करते हुए कहते हैं, इलम अन्नल इल्म युतलक़ु अला मआनिन, अहदुहा हुसूल सूरत अश्शय फिल अक्ल, सानीहा अस्सूरत अलहासिलत मिन अश्शय इंद अलअक्ल, सालिसुहा अलहाज़िर इंद अलमुद्रिक, राबिउहा क़ुबूलुन नफ्स लितिल्का सूरत लितिल्का सूरा, खामिसुहा अलइज़ाफ़त अलहासिलत बैन अलआलिम वलमालूम। यहाँ तक की इबारत में साहिब किताब ने इल्म की जो है वो तारीफ़ क्या है, इल्म किसको कहते हैं। जब हम बोलते हैं कि इल्म नहव, इल्म मंतिक या इल्म फ़लाँ,
جو بھی علم بولتے ہیں اس کے پاس علم ہے، تو علم سے مراد کیا؟ تو علم کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، جس کو اردو میں جانکاری کہتے ہیں، اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ یہاں پہ پانچ تعریفیں صاحب کتاب نے بیان کی ہے کہ علم اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں، اور سب کا جو ہے حاصل لگ بھگ ایک ہی ہے، تعریف کرنے کا انداز الگ الگ ہے، حاصل ایک ہی ہے۔ پہلے علم کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ علم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کا علم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی صورت کا ذہن میں حاصل ہو جانا، اس چیز کا نام علم ہے۔ جب ہم بولتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ ممبئی شہر ہے، ممبئی شہر کا مجھے علم ہے، تو مطلب ممبئی شہر کی صورت آپ کے ذہن میں حاصل ہو گئی، آپ کے عقل میں حاصل ہو گئی، اس لیے آپ کو ممبئی کا علم ہے۔ آپ کہتے ہو مجھے جو ہے وہ تفسیر کا علم ہے، مطلب تفسیر کی خاص جو صورت بنتی ہے وہ آپ کے ذہن میں حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا نام علم ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ وہ میرے دادا ہیں، پردادا ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی، یہ لکڑی ہے، یہ لوہا ہے، تو اس طرح کا جو علم ہوتا ہے، مطلب لکڑی اور لوہے کی خاص صورت آپ کے ذہن میں حاصل ہوتی ہے جب ہی آپ کہتے ہو کہ یہ لکڑی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں، آپ کسی کو چھوتے ہو تو بولتے ہیں کہ یہ بخار ہے، اس کو بخار ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، مطلب اس بخار اور اس سفیدی اور اس کالے پن کا آپ کے ذہن میں صورت حاصل ہو گئی، اس لیے آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ تو علم کہتے ہیں شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہو جانا، یہ علم کی ایک تعریف ہے۔ دوسری تعریف کی ہے کہ ہو جانا یہ علم نہیں ہے، بلکہ حاصل ہونے والی شے سے، کسی بھی چیز سے حاصل ہو جانے والی صورت جو عقل کے نزدیک ہوتی ہے، اس حاصل ہو جانے والی صورت کا نام ہی علم ہے۔ یعنی معنی مصدری کا نام علم نہیں ہے، بلکہ معنی فاعلیت کا نام علم ہے۔ حاصل ہو جانا یہ علم نہیں ہے، بلکہ جو چیز ہمیں ذہن میں حاصل ہوئی، اس حاصل ہونے والی صورت کا نام علم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہو کہ آپ نے دھواں دیکھا، آگ کا علم حاصل ہو گیا، تو یہ آگ کی صورت جو آپ کے وہ دھواں کے ذریعے سے جو آگ کی صورت آپ کے ذہن میں حاصل ہوئی، یہ حاصل ہونے والی صورت کا نام علم ہے، حاصل ہونا علم نہیں۔ یہ دو تعریف ہو گئی۔ تیسری تعریف ہے کہ مدرک، مدرک کہتے ہیں ذہن کو، عقل کو، انسان کے، انسان جن چیزوں کے، جس کے ذریعے سے ساری چیزوں کو جانتا ہے، جس کو مدرک کہا جاتا ہے، جس کو آپ عقل کہتے ہو، تو عقل کے نزدیک جو چیز حاضر ہو جائے اس کا نام علم ہے۔ لگ بھگ ایک ہی مطلب ہوا، عقل کے نزدیک جو چیز حاضر ہو جائے، یعنی یہاں پہ دو باتیں نہیں ہیں کہ شے سے حاصل ہو جانے والی صورت نہیں، بلکہ جو بھی چیز آپ کے عقل کے عقل میں موجود ہے، حاضر ہے، وہ علم ہے۔ آپ کے عقل میں ٹرین ہے، آپ کے عقل میں سیب ہے، آپ کے عقل میں کیلا ہے، مطلب ان چیزوں کا آپ کو علم ہے۔ تو جو بھی حاضر اندل مدرک، جو بھی ہے عقل کے نزدیک، جو بھی حاضر ہے، اس کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری قسم ہوئی علم کی۔ اور چوتھی قسم یہ ہوئی کہ علم اصل میں ایک اثر کا نام ہے، اور وہ اثر کیا ہے کہ خاص صورت کو ذہن جب قبول کر لے تو اس قبول کرنے کا نام جو ہے علم ہے۔ مطلب آپ جو ہے زمین پر آپ نے نظر دوڑائی تو آپ کو تین چیزیں نظر آئی، ایک پتھر اور ایک جو ہے اینٹ اور ایک لوہا۔ مطلب یہ ہوا کہ جیسی آپ نے دیکھا تو آپ کے ذہن نے ایک اثر قبول کر لیا کسی چیز کے لوہا ہونے کا، کسی چیز کے مٹی ہونے کا، کسی چیز کے پتھر ہونے کا۔ تو نفس کا اس اثر کو قبول کر لینے کا نام، کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ قبول کرنا علم ہے، قبول کرنا علم ہے۔ آج میں صرف تعریف بتاؤں گا، پھر کل میں ان تعریفات کے درمیان فرق بھی انشاءاللہ بتاؤں گا دوسرے سبق میں۔ تو نفس کا خاص صورت کو قبول کر لینا، جو صورت کسی چیز سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو حاصل ہونے والی صورت کو نفس جب قبول کر لے تو اس قبول کرنے کا نام ہی علم ہے۔ اور چوتھی تعریف یہ کی گئی ہے کہ عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کا نام علم ہے۔ یعنی آپ کا جو کنیکشن ہوتا ہے، آپ عالم ہیں، اور مثال کے طور پر آپ نے نیچے پانی دیکھا تو پانی کا آپ کو علم ہوا،
या आपने इस्म की तारीफ का आपको इल्म हुआ, फ़ेल की तारीफ का आपको इल्म हुआ, तो फ़ेल की तारीफ मालूम है और आप आलिम हैं, और इल्म क्या है, तो आपके और फ़ेल की तारीफ के दरमियान जो एक ख़ास तरह का राबता हुआ, ख़ास तरह का कनेक्शन हुआ, ख़ास तरह की निस्बत हुई, इस निस्बत का नाम इल्म है। ठीक है, मुमकिन है कभी ये आपको लगे कि ये क्या इतनी सारी बातें बयान की जा रही है एक ही तरह की बातें, तो मैं इंशाल्लाह इसके दरमियान जो है ना, इन तारीफ़ात के दरमियान जो फ़र्क है इसके वजाहत मैं कल करूँगा। आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि जिसको हम जानकारी या इल्म कहते हैं उसकी मुख्तलिफ तारीफ़ की गई है, और साहिब मिरकात ने उसकी 5 तारीफ़ बयान की है। पहली तारीफ़ है अक्ल में शय की सूरत का हासिल होना, ये चाहें तो लिख लें, अक्ल में शय की सूरत का हासिल होना, ये पहली तारीफ़ है। अक्ल में शय की सूरत का हासिल होना, शय से मुराद मालूम शय, जिसको हम जानते हैं वो शय। दूसरी तारीफ़ लिख लीजिए कि अक्ल के नज़दीक शय से हासिल हो जाने वाली सूरत का नाम इल्म है। अक्ल के नज़दीक शय से हासिल हो जाने वाली सूरत का नाम इल्म है। और तीसरी तारीफ़ है मुदरिक के नज़दीक जो चीज़ हाजिर है उसका नाम इल्म है। मुदरिक यानी अक्ल, मुदरिक के नज़दीक जो चीज़ हाजिर है उसका नाम इल्म है। और चौथी तारीफ़ की गई है शय की सूरत को नफ्स का कबूल कर लेना, शय की सूरत को नफ्स का कबूल कर लेना इसका नाम इल्म है। शय की सूरत को नफ्स का कबूल कर लेना, यानी नफ्स का कबूल करना शय की सूरत को। और पांचवी तारीफ़ है आलिम और मालूम के दरमियान हासिल हो जाने वाली निस्बत को, हासिल होने वाली निस्बत का नाम इल्म है। आलिम और मालूम के दरमियान हासिल होने वाली निस्बत का नाम इल्म है। ठीक है, अब नीचे हम पढ़ेंगे इल्म की तकसीम। ये तो इल्म की तारीफ़ हो गई, अब इल्म की तकसीम कि कोई भी चीज़ का हमें इल्म होता है तो दो तरीके से इल्म होता है। दूसरी सूरत क्या था? जी जी, दूसरी सूरत क्या थी? दूसरी की तीसरी, दूसरी सूरत है अक्ल के नज़दीक शय से हासिल होने वाली सूरत का नाम इल्म है। अक्ल के नज़दीक शय से हासिल होने वाली सूरत, और तीसरी लिखे जी, तीसरी लिख ली है, तीसरी चौथी पांचवी नहीं, चौथी पांचवी लिख ली है, तीसरी नहीं ली। तीसरी है मुदरिक के नज़दीक हाजिर शुदा सूरत, मुदरिक के नज़दीक जो चीज़ हाजिर, ऐसा लिखिए, मुदरिक के नज़दीक जो चीज़ हाजिर हो उसका नाम इल्म है। तर्जमा देख लीजिए, इलम अन्नल इल्म युतलकु अला मानिन, मानिन असल में था मानियन, मानियन तालील हो गई और मानिन बन गया। जान लो कि इल्म का इतलाक चंद मानी पर होता है, इल्म का इतलाक चंद मानों पर होता है, मानों पर, मानी पर होता है। अहदुहा, उन मानी में से एक माना है हुसूलु सूरति शैई फिल अक्ली, शय की सूरत का अक्ल में मौजूद होना, हासिल होना, शय की सूरत का अक्ल में हासिल होना। सानीहा, दूसरी, उनमें से दूसरी तारीफ है, दूसरा माना है अस्सूरतुल हासिलतु मिन अश्शैई इंदल अक्ल, अक्ल के नज़दीक शय से हासिल होने वाली सूरत, अक्ल के नज़दीक शय से हासिल होने वाली सूरत। सालिसुहा, उनमें का तीसरा माना है अलहाज़िरु इंदल मुदरिक, मुदरिक के नज़दीक हाजिर शय का नाम इल्म है, मुदरिक के नज़दीक हाजिर। राबिउहा, कबूलुन नफ्सी लितिल्का सूरा, उनमें से चौथा माना है नफ्स का उस शय से हासिल होने वाली सूरत को कबूल करना, नफ्स का शय से हासिल होने वाली उस सूरह को कबूल, सूरत को कबूल करना। मुख्तसर में यूँ कहेंगे नफ्स का उस सूरत को कबूल करना, नफ्स का
اس صورت کو قبول کرنا۔ خامسہا، ان میں سے پانچواں معنی ہے، الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہونے والی پائی جانے والی نسبت کا نام علم ہے۔ عالم اور معلوم کے درمیان پائی جانے والی نسبت کا نام علم ہے۔ یہ پانچ تعریف ہماری ہو گئی۔ کل انشاءاللہ ان پانچ تعریفوں کے درمیان ہم فرق کو مختصر انداز میں سمجھیں گے، پھر اس کی تقسیم سمجھیں گے۔ علم کی دو قسمیں ہوتی ہے اور دو ہی قسموں میں منحصر کیوں ہے، دلیل حصر بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔